अनामयम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो हमारे बड़े बुजुर्गों को काफ़ी परेशान करती है, प्रोस्टेट। इसे गदूद की समस्या भी कहा जाता है। प्रोस्टेट एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो सिर्फ मेल में पाया जाता है। यह ग्लैंड ब्लैडर और यूरेथरा यानी पेशाब की नली के बीच में सिचुएटेड होता है। बढ़ती उम्र के साथ और प्रोस्टेट की निष्क्रियता की वजह से यह ग्लैंड बढ़ना शुरू होता है। इसे BPE या BPH कहा जाता है, जो हमारे स्मूथ यूरिनेशन को प्रभावित करता है। उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन और ओस्ट्रोजन हॉर्मोन्स भी जिम्मेवार होते हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स हैं अच्छी तरह प्रेशर से पेशाब ना जा पाना, पेशाब शुरू करने में मुश्किल होना, बार बार पेशाब जाना, दिन में ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब जाना, रात में भी बार बार पेशाब जाना जिसे नॉक्टूरिया कहा जाता है, पेशाब करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना, ब्लैडर का पूरी तरह से खाली ना होना, ब्लैडर और लोअर एब्डोमेन में पेन होना, इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब पर कंट्रोल ना रहना। लंबे समय तक इन सिम्टम्स के साथ रहने पर यह समस्या थोड़ी घातक हो जाती है, जिनमें यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के साथ खून आना, ब्लैडर में पथरी हो जाना, किडनी फेल्योर और भी काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। सबसे ऊपर की स्टेज प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, हम बीमारियों के प्रति अवेयर नहीं हैं, हमें अपने ब्लड टेस्ट करवाने अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि 40 से ऊपर होते ही आपको PSA टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपका प्रोस्टेट अभी किस लेवल पे है। प्रोस्टेट को कंट्रोल करने के लिए योग एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के रोग हमारे शरीर में होते हैं, वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक वात रोग की समस्या है, जो कि अपान वाले हिस्से में नेवल से NS तक के बीच में सिचुएटेड है। तो हमें सिंपली अपने अपान का शुद्धिकरण करना है, अपान वायु को शुद्ध करना है, प्रोस्टेट की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं इस इलाके में होती हैं, वो सारी समस्याएं काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले उत्तान पादासन, शरीर को सीधा करके धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना चाहिए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, यदि हो सके तो 90 डिग्री, और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे भी लेके जाना चाहिए। इसके बाद पवन मुक्त आसन, राइट पैर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, इस तरह से घुटनों को मोड़ेंगे, अच्छा तेज़ी से पकड़ेंगे, सांस को छोड़ते हुए नोज को, चिन को या माथे को घुटने से लगाएंगे और प्रेशर अच्छी तरह से मेंटेन करना है पेट के ऊपर। सांस भरते हुए वापिस फिर दूसरे पैर से, इसके बाद दोनों पैरों से, नौकासन, नौका संचालासन, पैर को स्ट्रेट रखेंगे जिस तरह से हम नौका को चलाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन काष्ठ तक्षणासन, जिस तरह से एक कारपेंटर बढ़ई काम करता है उस तरह से इसमें काम करना है। सांस का इसमें इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, जो हम कपालभाति का हम स्ट्रोक्स लगाते हैं उस तरह से काम करना है। पैरों को इस तरह खोलते हुए जितना मैक्सिमम हो सके आप खोल लीजिए, घुटनों को थोड़ा बाहर निकालते हुए सीधा बैठते हुए और इसके बाद ध्यान वीरासन, इस तरह हम बैठेंगे, लेफ्ट पैर को
हिप के नीचे रखेंगे, राइट पैर को इस तरह से जो गोमुखासन में हम बैठते हैं इस तरह से हम बैठेंगे, और यहाँ पर बैठकर ध्यान वीरासन, इसके पश्चात कौवा चालासन। उकड़ू बैठते हुए पैर को नीचे लेके जाएंगे इस तरह से, इस तरह से हमें पोजीशन करनी है, ये पोजीशन हमें करनी है। यदि हो सके तो आप आगे चल भी सकते हैं इस तरह से। इसमें हमें विपरीत करनी का भी अभ्यास करना चाहिए, दीवार का सहारा लेकर, या फिर जो बिना दीवार के सहारे कर सकते हैं वो इस तरह से पैरों को 90 डिग्री एंगल पे हमें रखना चाहिए। यदि ऐसे नहीं हो सकता है तो हमें दीवार का सहारा लेकर विपरीत करनी का अभ्यास करना चाहिए। इन सब आसनों के अलावा सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए, साथ ही साथ उत्कटासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, गोमुखासन, वायु निष्कास आसन, और जो आगे और पीछे झुकने के आसन हैं उनका हमें अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ प्राणायाम पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रोस्टेट की अगर समस्या है तो कपालभाति के स्ट्रोक हमें ज़रूर लगाने चाहिए, पेट पूरी तरह से अंदर की तरफ पिचक जाना चाहिए। इसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, उद्गीत, इन सब आसनों का भी हमें अभ्यास करना चाहिए। एक विशेष प्राणायाम प्राणिक बंध प्राणायाम, उसका हमें अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए, खास करके ऐसे लोग जिनको प्रोस्टेट इत्यादि की समस्या है, क्योंकि इसमें तीनों बंध का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ये तीनों बंध हैं, महाबंध है, खास करके उड्डयन बंध, ये अपान वायु के शुद्धिकरण के लिए रामबाण का कार्य करता है। प्राणिक बंध के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। योग के अलावा इन बातों का भी विशेषकर ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनको प्रोस्टेट की समस्या है। सूर्यास्त से पहले खाना खा लें, खाने को अच्छी तरह पचने का मौका दें, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए, कोशिश करें कि रात को सोने से 1-2 घंटे पहले पानी पी लें। जो फेक अर्ज ऑफ यूरिनेशन है, ब्लैडर को उस तरह से ट्रेन करें कि वो फेक अर्ज को दिमाग तक ना भेजे, ब्लैडर को अच्छी तरह से खाली करें, चाहे कितना ही समय लगे पेशाब करने में। इंडियन स्टाइल टॉयलेटरीज को यूज करें, वेस्टर्न स्टाइल को ना कहें। खाना खाने के बाद कोशिश करें कि आप पेशाब करके आए। स्ट्रेस, चाय, कॉफ़ी, एसिडिक फूड्स, फास्ट फूड, ये सब अवॉइड करें। जो रसदार फल हैं और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका खूब सेवन करें, रेगुलर योगाभ्यास करें, ये सब चीज़ें प्रोस्टेट मैनेजमेंट में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। और वो लोग जो कोमोर्बिड कंडीशन में हैं उनको तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम, आरोग्यवान भवतु।